बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट हमें सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस कहा गया है, यानी कि हमें इक्वेशंस गिवन है और उन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है, उनके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू गिवन है x7 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और अब स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं और इसके रूट्स x की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो लेट से हमें गिवन है x7 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू अगर चाहिए तो x7 इज इक्वल टू -1, 1 को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दें। अब स्टूडेंट्स अगर आप जो है वो इसका अंडर रूट लेते हैं, क्या करते हैं, इसका अंडर रूट अगर आप कंसीडर कर लेते हैं, सेवन्थ रूट कंसीडर कर लेते हैं एक्स का, तो आपको पता है अंडर रूट के अंदर -1 आ जाएगा और वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो इसका मतलब अब हमें इस इक्वेशन के सेवन्थ रूट फाइंड आउट करने हैं। कितने? 7 रूट चाहिए, क्योंकि इसकी डिग्री 7 है तो रूट 7 आएंगे और ये 1/7 बनेगा तो वो सेवन्थ रूट्स कहलाएगा। तो सेवन्थ रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट सेवन्थ रूट्स ऑफ -1। -1 के स्टूडेंट्स हमें सेवन्थ रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब बिल्कुल nth रूट्स का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है उसी के वे से हमने -1 के सेवन्थ रूट्स फाइंड आउट करने हैं स्टूडेंट। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट z इज इक्वल टू -1 के, ये किसके इक्वल इसको सपोज कर लिया, -1 के इक्वल सपोज किया। और हमें मालूम है कि अगर हमें सेवन्थ रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो स्टूडेंट्स हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जेड के इज इक्वल टू आर 1/n सीज थीटा प्लस 2k π/n। ये वाला फॉर्मूला यूज करना है स्टूडेंट्स, और इसमें दो रिक्वायरमेंट हमें फुलफिल करनी है, आर को फाइंड आउट करना और थीटा को फाइंड आउट करना। तो वही दो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर देंगे, उसके बाद k की वैल्यू पुट कर देंगे, 0 से लेकर 6 तक वैल्यू हमने पुट कर देनी है और हमारे पास इसका इजीली आंसर आ जाएगा। हम इसके रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे और ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो अब हमने पहले r को फाइंड आउट करना है, और r बेसिकली किसके इक्वल होगा, z मॉड के इक्वल होगा, और z मॉड आपके पास स्टूडेंट अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वेयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वेयर, और इमेजिनरी पार्ट चूंकि यहां पर है नहीं तो उसकी जगह पर हमने 0 लिख दिया, और ये आपके पास r 1 के इक्वल आ जाएगा। अब उसके बाद हमें थीटा फाइंड आउट करना है, आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है, तो cos थीटा की तरफ चले जाएं और cos थीटा इक्वल हो जाएगा x/r के। x चूंकि रियल पार्ट होता है, x रियल पार्ट को कहते होते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर के, और r उसका मॉडुलस होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम स्टूडेंट्स -1 प्लस 0 आयोटा की शक्ल में लिख सकते हैं। तो अब x की वैल्यू -1 और r की वैल्यू 1, तो -1/1 ये इक्वल हो जाएगा -1 के। अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है साइन की वैल्यू, साइन थीटा। अब स्टूडेंट साइन थीटा हमारा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा y/r, और y/r क्या हो? आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, y चूंकि 0 है तो 0/1, और ये हो जाएगा 0। तो अब यहां से आप एंगल बता सकते हैं, पहले तो आपने जज करना है कि आपका एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, उसके बाद फिर आपने थीटा को फाइंड आउट कर लेना है।
अब आप यहां से भी जज कर सकते हैं कि आपका कॉज नेगेटिव है, या आप अगर डायरेक्ट इसको प्लॉट कर दें जरा, इस पॉइंट को माइनस वन को प्लॉट करें जरा, तो चूंकि ये आप क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है तो ये डायरेक्ट एक एक्सिस के ऊपर लाई करेगा ये वाला पॉइंट, ये क्वाड्रेंटल एंगल आ जाएगा हमारे पास, तो इजीली यहां से हम एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे। अब स्टूडेंट माइनस वन कॉमा जीरो कहां पर आएगा, लेट से यहां, सॉरी यहां, यहां आएगा माइनस वन कॉमा जीरो, तो माइनस वन कॉमा जीरो यहां आएगा, तो यहां से लेकर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस माइनस वन तक का एंगल कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो चूंकि ये पाई हमारा माइनस पाई से पाई के दरमियान में ही लाई कर रहा है, तो इसलिए ये प्रिंसिपल एंगल है और इसको हमने थीटा कह देना है, तो थीटा इज इक्वल टू पाई। तो एंगल भी फाइंड आउट हो गया स्टूडेंट। अब हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, आर वन के इक्वल आया, थीटा फाइव थीटा पाई के इक्वल कैलकुलेट हुआ। नाउ यूजिंग जेड के इज इक्वल टू आर मॉड वन बाय एन सीज थीटा प्लस टू के पाई ओवर एन। इसमें वैल्यूज लगा दें स्टूडेंट्स, क्या क्या वैल्यू लगानी है, आर की वैल्यू, थीटा की वैल्यू, एन की वैल्यू हमने पुट कर देनी है। तो जेड के किसके इक्वल आ जाएगा, आर की वैल्यू वन पुट करेंगे, एन की वैल्यू चूंकि सेवंथ रूट था तो वन बाय सेवन, और सीज थीटा की जगह पर पाए प्लस टू के पाए ओवर एन की जगह पर स्टूडेंट सेवन। अब हम इस जेड के में वैल्यू लगाएंगे, किस किस की वैल्यू लगाएंगे स्टूडेंट, के की वैल्यू लगाएंगे और वो जीरो से सिक्स तक पुट कर देते हैं। पुट के इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब पहले के को जीरो पुट कर देंगे तो जेड जीरो इज इक्वल टू सीज पाए प्लस के की जगह पर जब जीरो लगाएंगे स्टूडेंट तो ये टू के पाए जीरो हो जाएगा और ये सीज पाए बाय सेवन कैलकुलेट हो जाएगा, तो जेड जीरो आ जाएगा ये। इसी तरह फिर हमें जेड वन कैलकुलेट करना है, के की जगह पर वन लगाएंगे तो ये सीज पाए प्लस टू पाए हो जाएगा जब के की जगह पर वन लगा देंगे ओवर सेवन, तो ये सीज थ्री पाए बाय सेवन। नेक्स्ट हमें टू पुट करना है के की जगह पर, तो अब टू पुट कर दें और बन जाएगा जेड टू इज इक्वल टू सीज पाई प्लस, जब के की जगह पर टू पुट कर देंगे तो टू इंटू टू फोर, फोर पाई प्लस फोर पाई ओवर सेवन, और ये इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास सीज फाइव पाई बाय सेवन के। फिर के की जगह पर थ्री लगा दें तो जेड थ्री इज इक्वल टू सीज पाई प्लस, जब आप थ्री लगा देंगे तो सिक्स पाई बन जाएगा ओवर सेवन, और ये आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा सी सेवन पाई बाय सेवन इज इक्वल टू सीज पाई, और इसको जब आप एक्सपेंड करके लिख देंगे कॉस पाई
प्लस आयोटा साइन पाई, और आपको मालूम है कि कॉस पाई माइनस वन और साइन पाई ज़ीरो, तो माइनस वन प्लस आयोटा इंटू ज़ीरो इज़ इक्वल टू माइनस वन। उसके बाद हमें के को फोर पुट करना है, जेड फोर इज इक्वल टू सीज पाई प्लस, आप फोर पुट कर देंगे तो एट पाई, और ये आपके पास नाइन पाई बाय सेवन। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स नाइन पाई बाय सेवन। और फिर नेक्स्ट, अब अगर आप देखें स्टूडेंट, तो ये नाइन पाई बाय सेवन को हम लोग माइनस फाइव पाई बाय सेवन भी लिख सकते हैं। माइनस फाइव पाई बाय सेवन क्यों लिखा स्टूडेंट्स, इसको जरा आप लोग कैलकुलेटर से चेक कर लें कि पहले नाइन पाई बाय सेवन किसके इक्वल आएगा। नाइन इंटू वन एटी डिवाइडेड बाय सेवन, तो ये स्टूडेंट 231 के इक्वल आता है, जो कि हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट में ये लाइन नहीं कर रहा होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फिर हम इसको प्रिंसिपल जो आर्गुमेंट है उसमें लाई करवाने के लिए 5 पाई बाय 7 लिख देते हैं। तो 5 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 7 कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो ये 128 पॉइंट समथिंग आएगा माइनस 5 पाई बाय 7, इसलिए हम इसको माइनस 5 पाई बाय 7 लिख देते हैं, ताकि ये हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट की रेंज माइनस पाई से पाई के दरमियान में आ जाए। अब अगर आप 9 पाई बाय 7 को देखें स्टूडेंट, तो ये 9 पाई बाय 7 लाई कहाँ पर करेगा आपके पास। 9 पाई बाय 7 एंगल को जरा अगर हम चेक करते हैं, बेसिकली ये एंगल जो है वो हमारा 231 के इक्वल आया था स्टूडेंट्स। अगर आप इसको दोबारा कैलकुलेटर से चेक करें तो ये 231 के इक्वल आया था, और यहाँ तक 180, ये 270, इसका मतलब यहाँ कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जो कि 231 9 पाई बाय 7 है हमारे पास। तो ये एंगल कितना बन रहा है, 9 पाई बाय 7, जबकि हमें यहाँ से एंगल चाहिए, इसका मतलब हमने पाई में से 9 पाई बाय 7 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो पाई माइनस नाइन पाई बाय सेवन, और ये कितना आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, सेवन पाई माइनस नाइन पाई, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस टू पाई बाय सेवन। स्टूडेंट ये 9 पाई बाय 7 का जो एंगल है वो इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बन रहा है, यहाँ से लेकर ये कंप्लीट एंगल 9 पाई बाय 7 है हमारे पास। ये कंप्लीट एंगल 9 पाई बाय 7 है, जो कि हमारे प्रिंसिपल आर्गुमेंट की रेंज से बाहर जा रहा है। 9 पाई बाय 7 231 के इक्वल आ रहा है, और हमने इसको अपने प्रिंसिपल आर्गुमेंट की रेंज में लाना है, तो हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये डाउनवर्ड एंगल चाहिए। तो अब ये एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है कि ये टोटल एंगल कितना होता है, 2 पाई होता है। तो अगर हम टोटल 2 पाई में से ये ऊपर वाला 9 पाई बाय 7 सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि ये 2 पाई माइनस 9 पाई बाय 7 बनना चाहिए, तो उस केस में ये क्या बन जाएगा आपके पास, 14 पाई माइनस 9 पाई ओवर 7, और ये आ जाएगा 5 पाई बाय 7। लेकिन चूंकि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं इसके साथ, इसलिए नेगेटिव माइनस 5 पाई बाय 7 लगा देंगे, और अगर आप इसको कैलकुलेट कर लें तो ये माइनस 128 के इक्वल आएगा, जो कि माइनस पाई से पाई के दरमियान में लाई करेगा। इस तरह हमने इसको सीज माइनस 5 पाई बाय 7 भी लिख सकते हैं।
अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमें के को 5 पुट करना है और फिर के को 6 पुट करना है। तो अब के को 5 पुट कर देंगे तो उस सिचुएशन में आपके पास Z5 इज इक्वल टू ये आ जाएगा सीज पाई प्लस ये टोटल आप इसमें पुट करके तो आपके पास 11 पाई बाय 7 बन जाएगा ये। और इसको फिर आप इसी अंदाज से जैसे ऊपर वाले को लिखा है हम सीज माइनस 3 पाई बाय 7 लिख सकते हैं, वही आपने अंदाज अपनाना है जो हमने 9 पाई बाय 7 के लिए लिखा है। या आप इसको कैलकुलेटर से ज़रा हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब 11 पाई बाय 7 किसके इक्वल आ रहा है, 11 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 7 ये स्टूडेंट आ रहा है 282। और ये एंगल कहाँ पर बनेगा अब हमारा, अगर 282 को आप देखें 282 एंगल आपको पता है कि किस क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ 270 तक है तो यहाँ आ जाएगा। और ये एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा है आर्गुमेंट है तो यहाँ तक आएगा आपके पास। लेकिन हमें कौन सा एंगल चाहिए, प्रिंसिपल एंगल ये वाला एंगल चाहिए। इसका मतलब 2 पाई में से कंप्लीट इस 2 पाई में से अगर ये इतना सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास 3 पाई बाय 7 बचेगा। देख लेते हैं उसको, 2 पाई माइनस 11 पाई बाय 7 तो 14 पाई माइनस 11 पाई बाय 7 ये स्टूडेंट बच जाएगा 3 पाई बाय 7। लेकिन चूंकि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं इसलिए हमने नेगेटिव साथ अप्लाई कर दिया इसके साथ भी, इसलिए ये सीज माइनस 3 पाई बाय 7 बना। इसी तरह आपने के की जगह पर 6 अप्लाई कर देना है और 6 अप्लाई करने से स्टूडेंट्स ये बन जाएगा सीज 13 पाई बाय 7। और फिर उसको भी आपने ऐसे ही प्रिंसिपल आर्गुमेंट में ले आना है और वो बन जाएगा माइनस पाई बाय 7 माइनस पाई बाय 7 बन जाएगा। यानी कि 13 पाई बाय 7 को भी 2 पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस पाई बाय 7 आएगा। तो स्टूडेंट ये 6 रूट्स हमने इस इक्वेशन x7 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के कैलकुलेट कर लिए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और जाते जाते घंटी का बटन भी दबाते जाएं। अल्लाह हाफिज़।